एंड गुड मॉर्निंग। आज बेटा मैं आपको बोर्ड पेपर की थोड़ी सी टिप देना चाहूंगा और चैप्टर को डिस्कस करेंगे हम डिबेंचर। डिबेंचर में दो चैप्टर है बेटा, इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। बेटा इश्यू ऑफ डिबेंचर में थ्योरी का क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बनता है वो बनता है डिबेंचर इश्यू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। दोबारा बोलता हूँ बेटा, डिबेंचर इश्यू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। बेटा आपने ये थ्योरी का क्वेश्चन रख लेना है, ये वन मार्कर में भी आ सकता है और इसका बैलेंस शीट के अंदर क्या डिस्क्लोजर होता है ये भी कर लेना। तो प्लीज बेटा डिबेंचर इश्यू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी को बड़ा ध्यान पूर्वक करना है, रट लेना है इसको, अगर आ गया तो उसे छोड़ना नहीं है। दूसरा बेटा अदर देन कैश, दूसरा सवाल है अदर देन कैश। अदर देन कैश में क्या करते हैं, हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं। बिजनेस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। अब आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज की बेटा सवाल के अंदर अगर खाली बुक वैल्यू दी हुई है तो आप बुक वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं, बट आज तक बेटा कभी यह सवाल नहीं आया कि बुक वैल्यू के साथ एग्रीड वैल्यू दे दी जाए। अगर मान लो बेटा आपको बुक वैल्यू के साथ एग्रीड वैल्यू दे दी तो आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं सवाल में बुक वैल्यू उठाऊं या एग्रीड वैल्यू उठाऊं। तो आपको कौन सी वैल्यू उठानी है बेटा, एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू के हिसाब से ही आप अपना गुडविल या कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। प्लस दूसरा बेटा अदर देन कैश में आपको वर्किंग नोट में नंबर ऑफ डिबेंचर या शेयर्स जो भी आपने इश्यू किए हैं वो आपको दिखाना है। अगर आप वर्किंग नोट में ये नंबर ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स नहीं दिखाते हो तो बेटा वहां पर आपका एक नंबर कट जाएगा। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि आपके 99 से 100 के बीच में नंबर कट जाए, 100 आने हैं आपके और आपको 99 पे रह जाएंगे। तो प्लीज इस बात का आपने ध्यान रखना है। बेटा तीसरा बेटा एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ था, हाउ टू राइट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, हाउ टू राइट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो बेटा आपने जो आपने एसपीआर की यूटिलाइजेशन पढ़ा है कि एसपीआर से राइट ऑफ कर सकते हैं, तो बेटा जो आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है उसके लिए दो अकाउंट है, कैपिटल रिजर्व और शेयर सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व। अगर आपके पास इसका बैलेंस दिया हुआ है तो सबसे पहले आप इस बैलेंस से राइट ऑफ करेंगे, उसके बाद जो बाकी बचेगा वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करेंगे। बेटा इसमें जो बात है, जो आपने डिबेंचर का जो डिस्काउंट आपने राइट ऑफ करना है उसमें दो तरीके होते हैं कि डिबेंचर क्या लमसम मेथड से रिडीम हुए हैं या ड्रॉ ऑफ लॉट से हुए हैं। जब आप डिबेंचर लमसम मेथड से करते हैं तो उसमें कोई टेंशन नहीं होती। मान लो आपका डिबेंचर डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर 60,000 आया और आपने 5 साल बाद डिबेंचर राइट ऑफ करने हैं तो आप क्या करते हैं, 60,000 को 5 से डिवाइड करेंगे एवरी ईयर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में 12,000 करके। जैसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते थे ऐसे हम डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर को बनाकर राइट ऑफ कर देते हैं। बट बेटा प्रॉब्लम वहां आती है जहां आपने डिस्काउंट रिडीम करे हैं ड्रॉ ऑफ लॉट्स में। ड्रॉ ऑफ लॉट्स के केस में आपको जो रेशो निकालनी है बेटा वो डिबेंचर आउटस्टैंडिंग की निकालनी है, और डिबेंचर आउटस्टैंडिंग की निकालते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि आपने डिबेंचर इशू कब किए थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि आपने 30 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए, वो डिबेंचर आपने इशू किए 1 जनवरी को। दोबारा से बोलता हूं बेटा, आपने 30 लाख के डिबेंचर इशू किए हैं और वो डिबेंचर इशू किया आपने 1 जनवरी को और आपकी बुक्स हो रही है 31 मार्च को। तो बेटा आपको यहां पर जो 30 लाख रुपए का जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग निकालना है वो 3 मंथ के बेस पर निकालना है। फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट निकालना है वो 3 मंथ के बेस पर निकालना है, बाकी अगले सालों में आपको जैसे जैसे डिबेंचर रिडीम करते जाएंगे आप उसकी फेस वैल्यू में से वो डिडक्ट करते जाएंगे। तो बेटा आपने रेशियो निकालते हुए बड़ा ध्यान रखना है कि फर्स्ट ईयर में इशू की डेट दी हुई है या नहीं दी हुई। अगर नहीं दी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने क्या करना है पूरे साल का मान लेना है। तो रेशियो को निकालते हुए आपने अगर आपने रेशियो गलत कर दी तो आपका डिस्काउंट का पूरा गलत हो जाएगा। बेटा ये सवाल चाहे 6 नंबर में आए चाहे 4 नंबर में आए, इसको या चॉइस में भी आ सकता है, इसका आपने बड़ा ध्यान रखना है। आगे बेटा मैं आपको करा रहा हूं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर दो तरीके से होता है, या तो आउट ऑफ कैपिटल होता है या आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। अगर आपका डिबेंचर रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है तो बेटा डीआरआर आपने 100% बनाना है, ना कि 25%। दोबारा से बोल रहा हूं, इफ डिबेंचर रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट देन डीआरआर इज इक्वल टू 100% ऑफ द फेस वैल्यू और डीआरआई आपका उतना ही बनेगा 15% ऑफ द रिडीमेबल वैल्यू, 15% ऑफ द रिडीमेबल वैल्यू। अब बेटा तीसरा सवाल जो इसमें आता है कि सर डेट क्या होगी। बेटा डेट उस दिन जिस दिन आपने डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं उससे पहले वाली 31 मार्च, और डीआरआई की डेट होगी जिस दिन आपने डिबेंचर रिडीम करने हैं उससे पहले वाली 30 अप्रैल। दोबारा से बोलता हूं बेटा, डीआरआर की डेट होगी जिस दिन आपने डिबेंचर रिडीम करने हैं उससे पहले वाली 31 मार्च, और डीआरआई की डेट होगी जिस दिन डिबेंचर रिडीम करने हैं उससे पहले वाली 30 अप्रैल। अब आप कहोगे सर ये 30 अप्रैल डेट फिक्स है? नहीं बेटा, ये आपकी डेडलाइन है, इस लाइन के बाद आप डीआरआर और डीआरआई नहीं बना सकते। हाँ इससे पहले जरूर बना सकते हो, अगर क्वेश्चन में बोला है कि आपने डीआरआर ऑलरेडी मेंटेन कर रखा है या डीआरआई आपने बना रखी है तो आपको ये एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। बट आपने इसमें ये ध्यान रखना है बेटा, जो इंटरेस्ट है जो आपने डीआरआई का जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है अगर उस पर इंटरेस्ट रेट गिवन है या नहीं गिवन है। अगर इंटरेस्ट रेट गिवन है तो आपको पीरियड के हिसाब से सिंपल आपने जो आप 10वीं क्लास में पढ़ते आए हैं सिंपल पीआरटी लगाना है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट लगाना है। और इंटरेस्ट के साथ अगर आपको टीडीएस रेट दिया हुआ है तो आपको यहां पर टीडीएस की एडजस्टमेंट करनी है। एक बात याद रखना बेटा, यहाँ पे टीडीएस जो काट रहा है वो सामने वाली पार्टी काट